सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के राइटर्स स्टीफन और क्रिस्टोफर के बारे में, जिन्हें लेकर एक काफी अच्छा अपडेट आया है। वेल, तो क्या है वो डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि ये दोनों जोड़ी ने एमसीयू में कौन कौन सी फिल्मों की स्टोरी लिखी है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्रिस्टोफर और स्टीफन ने साथ में मिलकर अवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, सिविल वॉर, द विंटर सोल्जर, थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट अवेंजर जैसी फिल्म की स्टोरी लिखी है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों के दोनों राइटर्स एमसीयू के यूनिवर्स में कितने ज्यादा खास है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो इन दोनों का अगला प्रोजेक्ट अब तक अनाउंस नहीं किया गया है कि अगर ये दोनों राइटर्स एमसीयू के यूनिवर्स में कुछ फिल्मों की स्टोरी लिख रहे हैं तो वो फिल्में कौन सी है। लेकिन अब दोनों से इंटरव्यू के टाइम पर यह सवाल पूछा गया कि अगर उन दोनों को एमसीयू में फिर से वापस बुलाया गया किसी नई फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए, तो फिर वो लोग कौन सा प्रोजेक्ट चुनेंगे। जिसके बाद उन दोनों ने बिना हिचकिचाते हुए यहाँ पर नाम लिया मून नाइट के कैरेक्टर का, जिस कैरेक्टर का दूसरा नाम मार्कस स्पेक्टर है। और अगर आप इस कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में, मार्वल कॉमिक्स में नहीं जानते हो, तो ये कैरेक्टर बैटमैन की ही तरह है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है इस कैरेक्टर में। लेकिन इस कैरेक्टर की स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ऐसे में इन दोनों बड़े राइटर्स का इस कैरेक्टर का नाम लेना कहीं ना कहीं हमें ये हिंट देता है कि उन लोगों ने इस कैरेक्टर को लेकर एमसीयू के यूनिवर्स में पहले भी काफी सारे डिस्कशंस किए होंगे, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर मून नाइट के कैरेक्टर का नाम लिया है। और शायद हो सकता है कि सच में मून नाइट के कैरेक्टर को लेकर एमसीयू में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। अगर इस कैरेक्टर पर कोई फिल्म नहीं बनाना चाहते तो फिर हो सकता है कि हुलू के लिए मून नाइट के कैरेक्टर का एक शो ही बना दिया जाए, क्योंकि इस कैरेक्टर की जितनी स्टोरी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस कैरेक्टर की स्टोरी बस बढ़ती ही चली जाएगी। और ऊपर से हुलू जैसी स्ट्रीमिंग सर्विस पर अगर इसके शो को रिलीज किया जाएगा तो डेफिनेटली आर रेटेड की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उसमें, क्योंकि रिसेंटली ये खबर भी कंफर्म कर दी गई है कि हुलू पर हमें गोस्ट राइडर का रीबूट वर्जन का वेब शो देखने मिलेगा, जिस शो में गोस्ट राइडर के रोल के लिए गैब्रियल लूना को ही बुलाया गया है फिर से। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये वेब सीरीज पूरी तरीके से रीबूट होगी, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गोस्ट राइडर के कैरेक्टर पर ही फोकस ज्यादा दिखाया जाएगा, क्योंकि ये शो सिर्फ गोस्ट राइडर का ही है। और ऐसे में बात करें मून नाइट की, तब आपको क्या लगता है मून नाइट के कैरेक्टर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्यों राइटर्स ने यहाँ पर यही बात की कि अगर उन्हें एमसीयू में फिर से बुलाया जाएगा तो वो लोग मून नाइट के कैरेक्टर की स्टोरी को लिखना पसंद करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।